इस फ्लैट में आपको बहुत अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, प्लस इस फ्लैट में आपको 1 लाख का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो आप स्पेस मिली हुई है अंदर की तरफ कवर डिजाइन करने के लिए। बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब अपने मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हैं, वो हिल व्यू रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज हम आए हैं हिंजेवाड़ी फेज 3 में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट लेकर। अगर आप इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेते हैं तो आपको यहां से हिल व्यू मिलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, प्लस आपका मूड हमेशा फ्रेश रहेगा। ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं, आपको इस फ्लैट में इसी तरह से इतना अच्छा डिज़ाइनर डोर मिलने वाला है, प्लस ये आ जाता है रबर गैस किट के साथ में, तो जो बाहर की आवाज़ रहेगी वो कम अंदर आएगी, प्लस डोर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डोर के लॉक्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो इस तरफ आ जाता है इसका लिविंग रूम। लिविंग रूम के इस हिस्से में हमें जगह मिल जाती है एक प्यारा सा सिटिंग एरिया डिज़ाइन करने के लिए, नहीं तो आप यहाँ पर इस तरह से इतना अच्छा डाइनिंग टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो भी मिल जाती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है यहाँ पर सोफा लगाने के लिए। आप यहाँ पर एल शेप का सोफा लगा सकते हैं, बीच में सेंटर टेबल रख सकते हैं, और आपको एक अच्छी खासी वॉल मिल जाती है बड़ा सा टीवी लगाने के लिए। प्लस जो आपका टीवी और आपका सोफे का डिस्टेंस रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। इस फ्लैट में आपको बहुत अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, बिकॉज मैंने कि जैसा कि आपको बताया, एक विंडो उस तरफ मिली हुई है, प्लस उसके साथ में आपको बालकनी भी मिल जाती है। बालकनी में यहाँ पर जो टाइल्स यूज़ किए गए हैं उनका टेक्सचर बहुत अच्छा है, वुडन टेक्सचर के टाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं, एंटीज के टाइल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेलिंग का यूज़ किया गया है, ये वाइट कलर की है इसलिए और भी ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। और जैसे ही आप लिविंग रूम से इस तरफ आ जाते हैं, मेरे राइट में आ जाती है इसकी किचन। किचन में हमें एल शेप का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और जब किचन में एल शेप का प्लेटफॉर्म होता है तो हमें डबल प्लेटफॉर्म मिलते हैं और बहुत ज्यादा जगह मिलती है यूज करने के लिए। प्लस इस फ्लैट में आपको 1 लाख का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, तो आप चाहें तो अपना फर्नीचर भी करवा सकते हैं। प्लस जो यहाँ पर सिंक का यूज किया गया है, ये सिंक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा एंटीक है, प्लस आप यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन धोने के बाद रख सकते हैं, तो जो पानी रहेगा वो नीचे सीधा चला जाएगा। प्लस यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के लिए प्रोविजन दिया गया है, प्लस यहाँ पर विंडो दी गई है, विंडो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इस तरफ आ जाता है इसका यूटिलिटी एरिया, तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल जाती है इस तरह से वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, प्लस यहाँ पर भी वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है, यहाँ पर भी आपको विंडो दी गई है। तो आपने देखा होगा कि आपको किचन में तो विंडो मिली ही थी, प्लस यूटिलिटी एरिया के पास भी विंडो लगी थी। प्लस इस तरफ आ जाता है इसका कॉमन वॉशरूम, वॉशरूम बहुत स्पेशियस है, और जो ये वॉशरूम है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, प्लस जो टाइल्स हैं टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, नीचे वाले टाइल्स का भी प्लस ये वाले टाइल्स का भी, और आपको एक्चुअल फ्लैट में ऐसा ही मिलने वाला है। प्लस एक्चुअल फ्लैट में आपको यहाँ पर जिस तरह से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाया गया सेम मिलने वाला है, प्लस ये वॉशरूम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, प्लस जो WC है वॉल माउंटेड रहेगा, क्लीनिंग के लिए बहुत आसानी होती है, प्लस यहाँ पर अच्छी डिज़ाइनर आपको विंडो मिल जाती है। प्लस जो आप ये वॉश बेसिन देख रहे हैं इस तरफ, ये काफी बड़ा है, एंटीक है और बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं किड्स बेडरूम की तरफ। किचन के ऑपोजिट में आ जाता है किड्स बेडरूम, और यहाँ पर आ जाता है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर बड़ी सी जगह मिल जाती है बेड लगाने के लिए। आपको एक और फीचर इस रूम का अच्छा लगेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वॉल पर आपको डेडिकेटेड स्पेस मिली हुई है अंदर की तरफ कवर डिज़ाइन करने के लिए। सामने वाली वॉल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों के लिए स्टडी टेबल बनाने के लिए। प्लस आपको एक और फीचर अच्छा लगेगा, जो आप ये विंडो देख रहे हैं, आपको एक्चुअल फ्लैट में इतनी बड़ी विंडो मिलेगी, और जो बाहर का व्यू रहेगा फ्लैट से वो आपको हिल व्यू ही मिलने वाला है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। जब हम मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हैं, हमें यहाँ पर अच्छी खासी वॉल मिल जाती है, और आपने देखा है कि इस वॉल को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हैं।
तो मास्टर बेडरूम भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर आप एक बड़ा सा बेड लगा सकते हैं। प्लस मास्टर बेडरूम में भी आपको इस तरह से डेडिकेटेड स्पेस मिली हुई है कवर डिजाइन करने के लिए। प्लस यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी विंडो मिली हुई है, बाहर का जो व्यू रहेगा वो हिल व्यू रहने वाला है। प्लस आप बेड के पास में इतनी जगह है कि आप साइड में साइड टेबल भी लगा सकते हैं। प्लस जब आप इस वॉल पर आएंगे और यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी वॉल मिली हुई है, तो आप बड़ा सा टीवी लगा सकते हैं। प्लस आप चाहे तो अपना ड्रेसिंग टेबल भी सामने लगा सकते हैं। और इसके साथ में आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम बहुत ज्यादा स्पेशियस है। प्लस इस घर में जितने भी डोर हैं सारे के सारे डिजाइनर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। प्लस बाथरूम के जो डोर हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर भी रबर गैस्केट का यूज किया गया है। ये वॉशरूम भी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। वेट एरिया यहाँ पर भी नीचे की तरफ है, जो WC है वो भी यहाँ का वॉल माउंटेड है। प्लस जो आप साइड के टाइल्स देख रहे हैं मार्बल का लुक दे रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नीचे के टाइल्स भी बहुत अच्छे हैं, प्लस बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। और आप जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो वॉश बेसिन है ये बहुत ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो आप इसे एक बार देखते हुए लिविंग रूम की तरफ आ जाइए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है हिंजेवाड़ी फेज 3 में। और जो आपने ये सैंपल फ्लैट देखा इसका कारपेट एरिया है 690 स्क्वायर फीट और जो इसकी प्राइसिंग जाती है वो है 61 लाख रुपीस के आसपास, जो ऑल इंक्लूसिव है। प्लस अगर आपका ऑफिस TCS में है या फिर इन्फोसिस में है, टेक महिंद्रा में है या विप्रो में है, या आप हिंजेवाड़ी के आसपास कहीं जॉब करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज इससे आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दे पाएंगे। प्लस अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फ्लैट देख रहे हैं तो भी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज हिंजेवाड़े में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रेंट मिल जाता है। अगर हम बात करें पोजीशन की तो इस प्रोजेक्ट का पोजीशन है December 2024, लेकिन बिल्डर ने ऐसा कमिटमेंट किया है कि आपको ये प्रोजेक्ट उससे पहले ही मिल जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट या आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की और भी ज़्यादा अधिक जानकारी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।